हाय गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 579 हो गए हैं लास्ट हमारी फैमिली और यूट्यूब पे फैमिली. सो ग्लैड टू बी हियर. ईयर के स्टार्टिंग में 24 लोग थे एंड देखते देखते हम 500 से ज़्यादा हो चुके हैं. 1000 भी जल्दी पहुंच ही जाएंगे. नया टाइप का कंटेंट प्लान कर रहा हूँ. बट आज मुहूर्त डे है ट्रेडिंग का. मुहूर्त ट्रेडिंग होगी तो आज क्या ट्रेड करना है. ट्रेडिंग छोड़ो यार, आज ना इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं. अब ट्रेडिंग से तो हम रोज का सोच लेते हैं कि यार आज इतना टारगेट, आज उतना टारगेट, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम उसको बांट लेते हैं. बट जब हमें वेल्थ बनाना है, जनरेशनल वेल्थ बनाना है, एक दिन में देखो, अभी मेरे किसी एक दोस्त से बात हो रही थी, तब वो थोड़ा सा डिप्रेस था, थोड़ा सा दुखी था इस चीज़ को लेके कि ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं हो रही है जैसा वो चाहता था. हम में से अक्सर ज़्यादातर के साथ ऐसे ही है, मेरे साथ भी ऐसे ही है अभी. तो एक सिंपल सी बात मैंने उससे पूछी, जो एक सवाल मैंने काफ़ी साल पहले मैंने खुद से भी पूछा था, कि अगर सपोज मेरे को चाहिए 10 लाख रुपए, ठीक है, या थोड़ा बड़ा अमाउंट लेते हैं, 10 लाख करोड़ रुपए लेते हैं, 10 लाख करोड़ रुपए मेरे को चाहिए अगर अपनी लाइफ के अंदर, वो अभी नहीं है, इस वजह से मैं अगर दुखी हूँ, अगर वो चीज़ मेरे को इस हफ्ते के एंड में मिल जाए या अगले 3 महीने के अंदर मिल जाए, मेरे को वैसा एक क्लाइंट मिल जाए जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, तो उसके अगले महीने में क्या करूँगा, क्या करूँगा मैं उसके बाद, अगर एक हफ्ते के अंदर वो सब चीज़ अचीव हो जाएगी जो मेरे को पूरे लाइफ टाइम में करनी है, आगे के लिए मेरा पर्पज़ क्या है. तो धीरे धीरे कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ओवर द टाइम आनी चाहिए चीज़ें, एंड तभी शायद इसी चीज़ का मज़ा है एंड यही चीज़ शायद ज़िंदगी है. बहुत ही फिलोसॉफिकल हो गया, ठीक है. तो ऑन दैट नोट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर मुहूर्त डे में कहीं भी इन्वेस्ट करने की देख रहे हो, अपने देश के ऊपर इन्वेस्ट करने से बेटर जगह कोई नहीं है इन माई ओपिनियन, ठीक है. हमारे रेगुलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छे आ रहे हैं, हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए हैं, ठीक है. तो आगे जाते हुए हमारे जब, और ऊपर से क्रिप्टो का देखा कितने अच्छे, कितने ज़्यादा होल्डर्स हमारे कंट्री के अंदर है, यानी कि हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, जो जनरेशन है अभी, ये अडेप्ट करिए नई टेक्नोलॉजी को, तो आगे जाके हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, राइट. तो इस देश के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने का क्या तरीका है, सिर्फ एक तरीका है, निफ्टी के अंदर पैसा लगाओ. कैसे लगाओगे, इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए होता है ETF, ठीक है, एक्सचेंजेबल ट्रेडेड फंड. बहुत ही सिंपल सरल भाषा में बता रहा हूँ, कोई डीप में नहीं जाएंगे. देश में इन्वेस्ट करना है तो ETF बाय करो निफ्टी का. तो इस मुहूर्त ट्रेडिंग मैं ETF बाय करूँगा, ठीक है, एंड दो ETF रहेंगे, दो चीज़ें बताऊँगा. तो एक ही ETF होता क्या है एंड प्राइस कैसे जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मेरे चैनल पे मेरा व्यू क्या है, ठीक है. मेरा जैसे सबको पब्लिकली पता है कि 1 से 1.5 साल के अंदर थोड़ा बेयरिश साइड का मेरा व्यू रहेगा, तो फिर भी मैं क्यों बाय करना चाह रहा हूँ. देखो, जो ये मैं बाय कर रहा हूँ, मेरे को लॉन्ग टर्म पे वेल्थ चाहिए, राइट. तो जो रिसेशन आएगा भी वो 4 साल 5 साल, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 7 साल 8 साल, लेकिन फिर उसके बाद तो ऊपर ही जाना ना मार्केट. तो दिस इन्वेस्टमेंट इज़ फॉर लॉन्ग टाइम. तो ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग है, ये एक ऑस्पिशियस दिन माना जाता है इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी में, ठीक है, जहाँ पे सारे खाते क्लोज किए जाते हैं, नए खाते खोले जाते हैं. तो इट्स काइंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स. तो मेरा जो आगे जाने का प्लान होगा, इन्वेस्ट करने का होगा, वो अभी मैं इंडिया के ऊपर लगाऊंगा आज मुहूर्त ट्रेडिंग डे पे निफ्टी ETF के थ्रू, ठीक है. एंड सेकंड जो बाय करूंगा वो रहेगा मोतीलाल ओसवाल M50 ETF. ये मिड कैप कंपनी का 50 कंपनी का पैक है, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, और आगे जाएंगे तो हमारी बड़ी कंपनी और बड़ी होंगी, मिडल वाली और अच्छी होंगी, तो मेरे को दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा इन ETFs के थ्रू. एंड इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 50 कंपनी जो निफ्टी ETF में है, ऊपर नीचे होंगी, कोई निकाल जाएंगे, ऐड होंगे, मेरे को कुछ शफल नहीं करना है. निपॉन इंडिया ETF के जो मैनेजर्स होंगे वो खुद ब खुद अपना देख लेंगे. एंड ये जो प्राइस है ये कोरिलेटेड टू निफ्टी रहेगा, जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा, बेशक रिसेशन आ जाए उसके बाद निफ्टी ऊपर जाएगा तो मेरे ETF का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है. सो दैट इज़ वेरी सिंपल प्लान. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट दिस ईयर, देन वाई नॉट चूज आर ओन कंट्री. दैट्स इट गाइज. हैव अ सेफ दिवाली, फैमिली के साथ बिताओ, एंड लेट्स ग्रो दिस कम्युनिटी ऑल टुगेदर. डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे कुछ वीडियो सीखने के लिए. टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं साइकोलॉजिकल हेल्प करता हूँ ट्रेड लेने में. ट्रेड में एग्जैक्टली कोई कॉल वगैरह नहीं दी जाती है, बस गाइडेंस दिया जाता है.
डिसीजन तुम्हें बनाना होता अपने ट्रेड का, अपने आप पर्सनली बात करनी है, ग्रुप में ही आ जाओ, वहीं सारे बात करते हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एंड लेट्स स्टे कनेक्टेड एंड ट्रेड लाइक अ कैसीनो। हैव अ ग्रेट डे गाइस, हैप्पी दिवाली।